दीपक कैसे जलाया जाए, कितने दीपक जलाए जाएं, घी का दीपक जलेगा, तेल का दीपक जलेगा, कपूर से पूजा कब होगी और कितनी बार आरती करनी, कुछ लोग 7 बार करते हैं, कुछ लोग 9 बार करते हैं, कुछ लोग 10 बार करते हैं, तो इसका नियम क्या है और भगवान के किस हिस्से पर आरती की जाती है। पूजा करने की सही विधि और आवश्यक नियम के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने बात की थी पंचदेव कौन से हैं जिनकी आपको पूजा करनी है और वो 5 चीजें जो आपके पूजा स्थल पर पूजा करते वक्त होनी ही होनी चाहिए। साथ ही हमने आपको बताया था तुलसी के पत्ते के साथ क्या करना है, कैसे तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है और हमने बात की थी गंगा जल की। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं इसी विधि में कुछ और जरूरी कार्यों की, जैसे कि दीपक कैसे जलाया जाए, कितने दीपक जलाए जाएं, घी का दीपक जलेगा, तेल का दीपक जलेगा, कपूर से पूजा कब होगी और कितनी बार आरती करनी, कुछ लोग 7 बार करते हैं, कुछ लोग 9 बार करते हैं, कुछ लोग 10 बार करते हैं, तो इसका नियम क्या है और भगवान के किस हिस्से पर आरती की जाती है। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पार्ट 1 कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के तुरंत बाद पार्ट 1 जरूर देख लें। और हम बात करते हैं सबसे पहले दीपक की, कि कितने दीपक जलाए जाएंगे और किस तरीके का दीपक जलेगा। तो मैं आपको बता दूं, पूजा करते वक्त 2 दीपक जलाए जाते हैं। पहला दीपक होता है घी का और दूसरा दीपक होता है तेल का। अगर आप उस तेल के दीपक में तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता दूं आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। और जो आप घी का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो बत्ती होगी वो होगी रुई की, यानी कि कॉटन की। और जो आप तिल के तेल का दीपक इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें याद रखें, अगर पॉसिबल है, अगर आप इस नियम का पालन कर पाएं, तो उसमें कलावा की बत्ती का आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कितने लोग कलावा की बत्ती का इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग रुई की बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। आप घर पर बनाते हैं या बस आप मार्केट से बनी बनाई ले आते हैं। दोस्तों एक और चीज जो बहुत से लोग करते हैं, देखिए आपने एक दीपक जलाया उसके बाद आप ना थोड़ा आलस कर जाते हैं, आप दूसरा दीपक जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल नहीं करते, एक दीपक से दूसरा दीपक, दूसरे दीपक से तीसरा दीपक, या धूप अगरबत्ती हर चीज बस एक दीपक जलाने के बाद उसी से कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा करना बेहद गलत माना गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रोग घेर लेंगे। हर दीपक को आप अलग से जलाएं, अलग से प्रज्वलित करें, एक से दूसरे का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कौन है वो लोग जो बस एक दीपक जलाकर आलस के चलते सब उसी से ही प्रज्वलित कर लेते हैं। दोस्तों अब दूसरी चीज की हम बात करेंगे, जो कि है आपका आसन। आपके बैठने का स्थान बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपने आसन बनवाया है तो याद रखें कि वो आसन ऊन का होना चाहिए और जो आसन का कलर है अगर वो लाल या पीला है तो सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं हम पूजा करने के वक्त की। देखिए वक्त की अगर बात करें तो आप सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो पहली किरण के साथ जल अर्पित कर सकते हैं। और याद रखें जब आप जल अर्पित करें तो उस जल की बूंदें आपके पैरों पर ना लगे। याद रहे कि आप थोड़ी दूरी बनाकर इस तरीके से जल डालिए कि आपको वो छू भी ना पाए। कुछ लोग सूर्यदेव की पूजा करते वक्त शंख का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं शंख का इस्तेमाल करना बेहद गलत है। सूर्य भगवान की पूजा में कभी शंखनाद नहीं किया जाता। अगर कोई महिला शंखनाद करती है तो भी गलत है। शास्त्रों में बताया गया है पुरुष ही शंखनाद कर सकते हैं और वो भी नहा धोकर स्वच्छ होकर, अन्यथा वो भी गलत माना जाएगा। दोस्तों पूजा करने के बाद कपूर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप पूजा के बाद कपूर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कपूर से आरती नहीं की, तो आपकी आरती अधूरी है। अब हम बात करते हैं आरती किस तरीके से की जानी चाहिए। देखिए 4 बार आरती होगी चरणों की तरफ, जहाँ पे चरण है वहां पर 4 बार क्लॉकवाइज आप आरती को घुमा सकते हैं। उसके बाद 2 बार आरती होगी नाभि की तरफ और अंत में मुख की जो आरती होगी वो 1 से लेकर 3 बार आप कर सकते हो। ज्यादातर जो लोग हैं वो 7 के नंबर को लेकर चलते हैं, 7 बार आरती करते हैं, जिसमें 4 बार करते हैं वो चरणों की तरफ, जिसमें हो जाती है 2 बार नाभि की तरफ, 1 बार मुख की आरती, और जो लोग 9 बार आरती करते हैं वो 3 बार मुख की आरती करते हैं। तो दोस्तों ये थे आरती के कुछ ऐसे नियम जिनकी मालूमात से आप अपने घर पे बरकत कर सकते हैं, आप अपने घर को रोग से मुक्त कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। बाकी की जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ पार्ट 3 में, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसका समापन किया जाएगा, कैसे इसका अंत किया जाएगा, किस तरीके से आपको अपनी पूजा का पूरा पूरा फल मिलेगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु की एक और नई दुनिया को लेकर, तब तक आप सभी को अलविदा।